शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान फिलहाल ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद से ही हेडलाइंस में छाया हुआ है। एक स्टार किड होने के नाते उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है ये अब वो अच्छी तरह से समझ गए हैं। वेल, आखिर क्या था पूरा आर्यन खान ड्रग्स केस, आइए जानते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वांखेड़े ने अपनी टीम के साथ 2 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया दे क्रूज पर छापा मारते हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद समीर ने आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी को लगातार पुख्ता सबूत दिए, जिनके आधार पर कोर्ट ने उन्हें बाद में जेल भेज दिया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में एनसीबी और उसके अधिकारी समीर वांखेड़े को ही खटगरे में खड़ा कर दिया। इसके साथ ही दावा किया कि वांखेड़े ने बॉलीवुड के कई सेलेब से मोटा पैसा कमाया है। केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने दावा किया था कि उसने ड्रग्स केस में मामला सुलटाने के लिए 25 करोड़ की डील की बात सुनी थी। इसमें से 18 करोड़ पर डील फाइनल होनी थी और 8 करोड़ रुपए समीर वांखेड़े को दिए जाने थे। आर्यन के दोस्त और ड्रग्स केस में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स बरामद हुई थी। अरबाज ने एनसीबी को पूछताछ में बताया था कि उसके जूतों में चरस है। इसके बाद अरबाज ने जूतों में छिपाकर रखी चरस का पाउच खुद ही निकाल कर दिया था। अरबाज के इस बयान के आधार पर एनसीबी का पक्ष और मजबूत हो गया था। आर्यन खान ने ड्रग्स केस में हिरासत में लिए जाने के बाद सबसे पहले माता पिता से नहीं सैम डिसोजा नाम के किसी आदमी से बात की थी। ये दावा इस केस के गवाह किरण गोसावी ने किया था। रिपोर्टेडली गोसावी के मुताबिक आर्यन ने जो नंबर बताया, मैंने मोबाइल से वो नंबर लगाया। आर्यन ने सैम डिसोजा नाम के व्यक्ति से बात की थी। आर्यन को एनसीबी कार्यालय लाया गया, तब मेरे हाथ में प्रभाकर का ही फोन था, उसी से मैंने सेल्फी ली थी। आर्यन खान ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे की जमानत के लिए सबसे पहले वकील सतीश मानशिंदे को ही चुना गया था, लेकिन मानशिंदे आर्यन को बेल दिलाने में नाकाम रहे। आर्यन खान की जमानत याचिका पर पहले 2 अदालती सुनवाई के बावजूद आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई थी। एनसीबी ने अपनी तरफ से केस को मजबूत करने के लिए कई पैंतरे आजमाए। आर्यन को 6 दिन हिरासत में रखने के बाद एनसीबी ने बहुत कुछ खंगाल लिया, जिससे उनका केस और मजबूत हो गया। सतीश मानशिंदे जब आर्यन खान को बेल नहीं दिला पाए तो शाहरुख खान ने देश के एक और नामी वकील अमित देसाई को हायर किया। अमित देसाई सलमान खान के वकील भी रह चुके हैं। हालांकि हाईकोर्ट में कई सुनवाइयों और अमित देसाई की दलीलों के बाद भी कोर्ट उनसे संतुष्ट नहीं था और लगातार आर्यन की जमानत टलती रही। आखिरकार 26 अक्टूबर को मुकुल रोहतगी ने मोर्चा संभाला और पहली बार इस केस में अपनी दलीलें रखी। रोहतगी ने अपने दलीलों में कहा कि आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटा है, वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहा था। आर्यन कोई कस्टमर नहीं था, वो क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट था। आर्यन की ड्रग्स चैट में भी इस केस से लेना देना नहीं है। एनसीबी के पास पहले से ड्रग्स पार्टी की जानकारी थी, आर्यन के पास से ड्रग्स भी बरामद नहीं हुई। वेल, आर्यन खान की गिरफ्तारी के अगले ही दिन सलमान खान शाहरुख से मिलने उनके घर मन्नत पहुंचे थे। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने आर्यन खान केस में शाहरुख खान का नाम लिए बिना उन पर तीखा तंज कसा था। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जैकी चैन और उनके बेटे की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जैकी चैन ने ऑफिशियली माफी मांगी थी जब उनके बेटे को 2014 में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। कई सेलेब्स ने आर्यन और एसआरके को अपना सपोर्ट भी जताया था। वेल, क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी के हाथों व्हाट्सएप चैट लगी थी और इसी आधार पर एजेंसी ने चंकी पांडे की बेटी और एक्ट्रेस अनन्या पांडे से 3 दिन तक पूछताछ की थी। लेकिन इस पूरे मामले में फाइनली आर्यन खान को 28 अक्टूबर को बेल मिली और वो 30 अक्टूबर को घर लौट आए। तो ये था पूरा आर्यन खान केस। इस पर आप हमें बताइए अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।